मैंने कल एक्सप्रेशन दिया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, वो आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम नया एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये चीज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर हम एक बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता था, तो इसी तरह से अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल। नितिन राज अपने आपको म्यूट करो। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन, कंसिडर ए मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m एंड डाइपोल लेंथ 2a। And dipole length 2a placed in uniform magnetic field B vector at an angle theta with the direction of magnetic field, with the direction of magnetic field, ड्रॉ करिए डायग्राम। सेम है, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका नॉर्थ पोल होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल होगा। चले आगे, तो क्या होगा, यहां पे साउथ पोल है, ये यहां इस मैग्नेटिक फील्ड का भी साउथ पोल है। मैग्नेट उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। तो ये साउथ पोल जो होगा इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, मतलब मैग्नेट इस तरफ को घूमेगा, इधर को मूव करेगा विद सम फोर्स, और दैट फोर्स विल बी एम,
बी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, वहां से रिलेशन आ रहा है। अच्छा, ये नॉर्थ पोल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो डाइपोल जो है बार मैग्नेट जो है उसको इस तरफ को फोर्स लगेगी, ये फोर्स भी बराबर ही होगी अगर पोल स्ट्रेंथ सेम है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स इक्वल होगी। अब इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स इधर को लग रही है, एक इधर को लग रही है, तो ये डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज एफ इज इक्वल टू एम बी। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द डाइपोल This is again अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो है तो इक्वल, एक ये भी F इज इक्वल टू एम बी, ये भी एम बी है, पर दोनों एंटी पैरेलल है, तो लिखिए सिंस बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड एंटी पैरेलल, therefore they constitute torque which is given by torque को लिखते हैं tau से, इसमें आएगी either force or into perpendicular distance। तो आइदर फोर्स क्या है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये S, और मैंने नीचे N लिखा है, N की जगह K कर लो बेटे, क्योंकि N यहां पे नॉर्थ पोल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो N हो जाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, S K, ठीक है। तो ये टॉर्क आ गया हमारे पास, और इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर वन। अब हमें ये एस के फाइंड आउट करना है, हमें एस के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको अभी तक ये डाइपोल की लेंथ पता है, आपको ये चीज पता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। तो ये क्या बना, हाइपोटेन्यूस बना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को यूज करके कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, साइन, ठीक है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, तो एस के निकालने के लिए हमें साइन थीटा निकालना, तो आप लिखिए इन ट्राइंगल एन एस के साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी कि एस के अपॉन एस एन, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, एस के निकाल सकते हो, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एस एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, पुट इन
वन, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू पुट कर दो एम बी, और ये क्या आ गया एस एन साइन थीटा, और एस एन है क्या डाइपोल लेंथ, 2a, तो यहां पे आ जाएगा एम बी इंटू 2a साइन थीटा। ओके, अब आप देखें 2a इंटू एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पुट कर दो, तो ये क्या आ गया कैपिटल कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा उस मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर जिसका मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M है, और उसको हमने रखा किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। अब आपको पता है वेक्टर्स में ए बी साइन थीटा मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एम बी साइन थीटा है तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म टाउ इज इक्वल टू टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस आपको ये जो है ना पीडीएफ फॉर्म में, ये जो मैं लिख रहा हूं ये पीडीएफ फॉर्म में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर चेक करेंगे यू विल गेट दिस। आज मैंने पिछला जितना था वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब डेली का डेली मैं इसको अपडेट कर दिया करूंगा, साथ में जो वीडियोस बन रहे हैं वो भी साथ में डाल दूंगा, तो रिवीजन के लिए आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे हमें डबल काम करना पड़ रहा है, आप तो क्लास लगा के सो जाते हो। स्पेशल केसेस, तो आपने स्पेशल केसेस के लिए ये इक्वेशन याद रखनी है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसमें अप्लाई करेंगे जो भी करना है। When magnetic dipole is parallel to uniform magnetic field, when magnetic dipole is parallel to uniform magnetic field, तो उस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी, इधर को मैग्नेट भी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका थीटा जो हो जाएगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप जीरो पुट करिए, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, ठीक है, तो आपका टॉर्क क्या आ जाएगा साइन जीरो जीरो, तो एम बी इंटू जीरो, तो टॉर्क भी क्या होगा जीरो आ जाएगा। तो अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल को पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है, और इस टॉर्क को अभिनव गुप्ता हम बोलते हैं मिनिमम टॉर्क।
इस टॉर्क को हम बोलते हैं मिनिमम टॉर्क। दूसरा है व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड स्पेशल केस व्हेन डाइपोल, डाइपोल ये है ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा आपका थीटा जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑल दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू द एक्सप्रेशन वी हैव डन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे, तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता था ठीक है। यहां बस रिप्लेस क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बाकी प्रोसीजर एक्सप्रेशन करने का सेम है। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आप वहां से उस एक्सप्रेशन को भी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल ब्रैकेट में लिख लो बार मैग्नेट, ब्रैकेट में लिख लो बार मैग्नेट, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट, आपने पढ़ा हुआ मैग्नेटिक डाइपोल, जबकि दोनों एक ही चीज है, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल बोथ आर सेम ठीक है। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही डायग्राम बनाओ जल्दी से, सेम डायग्राम।
बन गई। लिखिए कंसीडर मैग्नेटिक डाइपोल, सेम वही वर्डिंग लिखिए, कंसीडर मैग्नेटिक डाइपोल वही वर्डिंग सेम टू सेम। अब आगे आप लिखेंगे टॉर्क, जो अभी आपने निकाला रिलेशन, एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो अभी आपने निकाला टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब डाइपोल जो गोल गोल रोटेट कर रहा है और उस डाइपोल के हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी क्या होती है, पहले वर्क फाइंड आउट करेंगे कि उसके गोल गोल घूमने में कितनी उसकी वर्क हो रहा है। तो वर्क के लिए हमें चाहिए फोर्स, ठीक है, फोर्स आ गई टॉर्क। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगी दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आएगी इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ठीक है। लिखिए स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर small work done for small displacement d theta is dw is equal to force into displacement। तो यहां पे force क्या होगी, torque होगी और displacement होगी d theta। अब आगे लिखिए टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट थीटा वन टू थीटा टू W is equal to integral theta 1 to theta 2 dW। small के integration कर दो तो total आ जाता है। अब dW की value put कर देंगे तो W is equal to tau d theta। अब टाउ है क्या, एम बी साइन थीटा और साथ में डी थीटा। अब कोई भी डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट तो सेम रहेगा क्योंकि पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म ली है तो एम बी कॉन्स्टेंट आ गया, बी बी कॉन्स्टेंट आ गया, वी कैन टेक बोथ आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल, ठीक है अंशुल। तो एम बी बाहर आ गए, थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन। माइनस कॉस थीटा एम बी
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आ जाएगी थीटा वन से थीटा टू। तो ये आ गया टोटल वर्क। आगे चलते हैं, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे, एम बी वैसे ही कॉस अपर लिमिट, साथ में माइनस साइन भी है, कॉस अपर लिमिट एंड थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। लेट थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा सॉरी थीटा वन इज 90 डिग्री एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा। आप मान लोगे, एज्यूम कर लोगे, पुट कर दीजिए यहां पे, तो W क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा टू की जगह थीटा, माइनस कॉस थीटा वन की जगह 90 डिग्री, और कॉस 90 आपको पता है क्या होता है, जीरो होता है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं कैपिटल यू से, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यू क्या आ जाएगा, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ तो एक साइंटिस्ट थे विलियम गिल्बर्ट, उन्होंने कहा कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, उन्होंने कहा अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। और एक बार मैं आपको एक बात बता दूं, सारे ध्यान से सुन लें, आप 10 मिनट पहले क्लास छोड़ोगे, 10 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करोगे, आपका कैमरा बंद होगा, यू विल बी मार्क्ड एज अब्सेंट। ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड अब ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, आपको शाम को SMS भी जा रहा होगा, तो काइंडली अटेंड योर क्लासेस फॉर फुल टाइम। अगर कोई टीचर क्लास नहीं ले रहा है, कोई लीव पे है कोई टीचर, तो वहां पे वैसा नहीं होगा, पर अगर कोई आप क्लास ऐसे छोड़ देते हो या आप बीच में कैमरा बंद कर देते हो तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
एंड यू विल गेट द मैसेज ऑफ एब्सेंट. सो टेक केयर. सो राइट डाउन, विलियम गिलबर्ट्स सेज दैट अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट. अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज if we suspend a magnet, write down first, if we suspend a magnet freely with the help of a thread, and keep it to rotate freely, and keep it to rotate freely it will come into rest. After some time, in north-south direction, which is possible only when there is a huge magnet lie along the diameter of Earth. Huge magnet lie along the diameter of Earth. Second observation. If we draw magnetic lines of force, of a bar magnet we came across the neutral points where magnetic field of Earth neutralizes the magnetic field of bar magnet. उनकी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, कि अगर आप एक सॉफ्ट आयरन की नीडल ले लो, उसको आप अर्थ के अंदर दबा दो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कुछ दिनों के बाद वो नीडल भी क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी. If we keep soft iron needle inside the earth, in
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देन इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम Next question is, what is geomagnetism? So, geomagnetism branch of physics, it's the branch of physics which deals with study of magnetism of Earth. Study of magnetism of Earth. अर्थ की स्टडी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर की जाती है उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। What is the cause of magnetic field of the earth? साइंटिस्ट ने स्टडीज की और उन्होंने फाइंड आउट किया कि कॉज क्या है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ का। उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, ठीक है। सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी और वो थ्योरीज है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट ये भी एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट every substance of earth is made up of atoms which contain charges. Like protons and electrons. Maybe ions भी हो सकते हैं, ions भी लिख लो, proton, electron and ions. तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा और अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी।
ठीक है, कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिस पार्टिकल ऑल्सो रोटेट्स अलॉन्ग विद रोटेशन ऑफ अर्थ। दीज पार्टिकल्स ऑल्सो रोटेट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू विच करंट इज प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, विच कॉजेज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सेकेंड इज द अर्थ कंटेन्स, सेकेंड इज द अर्थ कंटेन मेटेलिक फ्लूड इन इट्स कोर CORE कोर। वेन अर्थ रोटेट्स this fluid also rotates due to which current is produced this causes the magnetic field of earth in the atmosphere of earth, in the atmosphere of earth there are gases in the ionized form, when earth rotates the atmosphere of earth also rotates, when earth rotates the atmosphere of earth also rotates which produces current, therefore the magnetic field, therefore the magnetic field of earth ठीक है। तो कुछ डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके बेस पे बताया गया कि अर्थ जो है इट्स अ ह्यूज मैग्नेट, ठीक है, अर्थ एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ब्रैकेट में तो ये कहा कि अर्थ जो है वो एटम्स की बनी हुई है, ठीक है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्जेस हैं, चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, और हमें पता जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट जब प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दूसरी थ्योरी भी मिलती जुलती है कि अर्थ के अंदर मेटेलिक फ्लूइड भरा होता है,
ठीक है, और फ्लूड जो होता है मेटालिक फ्लूड है, मेटल्स का है, तो मेटल्स फिर से किससे बने होंगे, एटम से बने होंगे, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थ रोटेट करेगी तो फ्लूड भी रोटेट करेगा, फ्लूड रोटेट करेगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तीसरी थ्योरी है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये किससे बना हुआ है, गैसेस से बना हुआ है, और गैसेस किस फॉर्म में होती हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। तो जैसे अर्थ रोटेट करती है तो ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ये भी रोटेट करता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ प्रोड्यूस